घमासान मच गया, हो हल्ला होने लगा, सिर फुटबॉल होने की गुंजाइश बनाई, हाय तौबा, इधर उधर भागने के चर्चे होने लगे, नाराजगी की खबरें चारों ओर फैल गई। हालांकि अभी भी गुंजाइश की उम्मीद बाकी है, अंदर क्या चल रहा वो अंदर बैठे लोग जाने, लेकिन मीडिया में तो फिलहाल यही चर्चे हैं कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। लोकसभा सीट के समझौते ने सब गुड़ का गोबर कर दिया है। हालांकि अभी तक इसको लेकर दावे ही हो रहे हैं। जो नाराज हैं वो खुद कुछ बोल नहीं रहे, एकदम चुप्पी, मौन तोड़ नहीं रहे। इधर दावे पर दावे किए जा रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि चिराग को बीजेपी कम सीटें ऑफर कर रही है, नीतीश को पूरे 16 सीटें मिल रही है, कुशवाहा को 2 सीटें और मांझी को 1 सीट का ऑफर है। हालांकि हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की 6 सीटें कन्फर्म है, जिस इस बात को लेकर है कि चिराग की पार्टी को राज्यसभा सीट का जो ऑफर मिला था उसका क्या होगा। दरअसल हाल ही में हुए राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी चिराग की मां को संसद भेजना चाहती थी, लेकिन चिराग की मां ने खुद चुनाव लड़ने की जगह किसी समर्पित कार्यकर्ता को संसद भेजने की बात कही और मामला रफा दफा हो गया। अब चिराग का कहना है कि राज्यसभा सीट तो मिली नहीं, इसके एवज में उन्हें लोकसभा की एक एक्स्ट्रा सीट चाहिए, यानी कुल 7 सीटें। हालांकि बीजेपी चिराग के चाचा पशुपति कुमार पारस को अब राज्यसभा में सेट करना चाहती है, जिसके लिए चिराग तैयार नहीं है। उधर पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की बात करें तो उनके खाते में 0 सीटें आ रही है। बीजेपी ने इतना जरूर उन्हें ऑफर दिया है कि सूरजभान सिंह के भाई चंदन सिंह को बीजेपी अपने सैंबल पर चुनाव लड़ा सकती है। पारस की हाजीपुर सीट भी चिराग के खाते में डाल दी गई है। हालांकि बीजेपी को अभी भी इस बात की उम्मीद है कि पारस और चिराग फिर से एक हो जाए, लेकिन दोनों में से कोई भी इसके लिए तैयार नहीं। उधर एक भी सीट नहीं मिलने से पारस खेमा खफा बताया जा रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की जिद 2 सीटों को लेकर है, लेकिन बीजेपी उन्हें सिर्फ 1 काराकाट सीट ऑफर कर रही है, जबकि कुशवाहा जहानाबाद के साथ ही सीतामढ़ी सीट की भी मांग कर रहे हैं। बीजेपी ने कुशवाहा से कभी इन सीटों को देने का वादा भी किया था, लेकिन जब से सम्राट चौधरी बिहार के डिप्टी सीएम बने हैं तब से ही कुशवाहा का भाव एनडीए में कम हो गया है। कुशवाहा को साफ कह दिया गया है कि लड़ना है तो 1 सीट पर लड़े, नहीं तो बोरिया बिस्तर अपना समेट ले। बीजेपी को उम्मीद है कि बिहार में अब कुशवाहा जाति के सबसे बड़े नेता उपेंद्र कुशवाहा नहीं बल्कि सम्राट चौधरी बन गए हैं, समाज पर उनका जबरदस्त पकड़ है। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के किसी काम के नहीं रहे। उधर जीतनराम मांझी की पार्टी सिर्फ 1 सीट गया मांग रही है, लेकिन बीजेपी उन्हें भविष्य में राज्यसभा सीट देने का आश्वासन देकर मनाना चाह रही है। बिहार विधान परिषद में जीतनराम मांझी के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री संतोष कुमार सुमन को भी बीजेपी ने अपने कोटे की सीट देकर सेट कर दिया है। माना जा रहा है कि मांझी अंततः मान जाएंगे। सबसे घाटे में नीतीश कुमार की पार्टी जा रही है। नीतीश कुमार की पार्टी एनडीए में 16 सीट मांग रही है, लेकिन बीजेपी उन्हें 10 से कम सीटों पर ही निपटाने की कोशिश में है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक नीतीश कुमार की विश्वसनीयता संदिग्ध है। ऐसे में अगर उन्हें ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़ने दिया जाएगा तो यह संभव है कि चुनाव बाद वो फिर से पलटी मार जाए। इसलिए बीजेपी नीतीश कुमार की पार्टी के जगह चिराग की पार्टी को ज़्यादा भाव दे रही है। बीजेपी को लगता है कि चिराग की विश्वसनीयता नीतीश के मुकाबले कई गुना ज़्यादा है। नीतीश समय समय पर पलटी मारती रहते हैं, जबकि बीजेपी को जब भी जरूरत महसूस हुई चिराग उनके लिए
खड़े रहे। ऐसे भी रामविलास पासवान के जाने के बाद चिराग पासवान बिहार में दलितों के एकमात्र सबसे बड़े नेता रह गए हैं। चिराग के साथ समाज के दूसरे वर्ग के लोग भी जुड़े हैं। युवाओं में भी वो खासा लोकप्रिय हैं। जाति और धर्म की राजनीति से दूर रहने की वजह से उनकी सभाओं में भीड़ उमड़ती है। ऐसे में चिराग को बीजेपी हर हाल में संभाल कर रखना चाहती है। बीजेपी नेतृत्व को लगता है कि चिराग आगे भी बीजेपी के लिए काम आएंगे। वहीं नीतीश कुमार की विश्वसनीयता हमेशा संदिग्ध रहती है और ऐसे भी नीतीश की पहले वाली छवि रही नहीं। बिहार विधानसभा के चुनाव के बाद शायद वो राजनीतिक रूप से एक्टिव भी नहीं रहेंगे। ऐसे में बीजेपी को चिराग की पार्टी को भाव देना ज़्यादा मुनासिब लग रहा है नीतीश के मुकाबले। हालांकि अभी ये तमाम बातें अटकलबाजी है। एक हफ्ते के भीतर ही ये पता चल जाएगा कि एनडीए में आखिर बात बन पाती है या नहीं। गांव तक बिहार की रिपोर्ट। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।